अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन का कैमरा अच्छा मिल जाए, आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाए, फोन लुक में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेकर आ गई हूँ कंपैरिजन वीडियो, जो कि होने वाला है Vivo T3X एंड Redmi 13 के बीच। ये फोन अप्रोक्स 15,000 के आसपास ही है, तो मैंने सोचा जो लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा फोन लूं, क्यों ना मैं उनकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी मेरी सैमसंग गैलेक्सी M35 की वीडियो नहीं देखी, जल्दी से जाके देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं ऐसे बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस, देन कमेंट डाउन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बिना किसी देरी के अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फोन का डिस्प्ले जान लेते हैं। एक तरफ हमारा Vivo T3X होने वाला है, दूसरी तरफ हमारा Redmi 13 5G होने वाला है। तो जो Vivo T3X का हमारा डिस्प्ले होने वाला है 6.72 इंचेस 120Hz LCD डिस्प्ले, और इसमें हमें मिल जाता है 6.79 इंचेस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा इस फोन का डिस्प्ले काफी बड़ा होने वाला है। दोनों में ही हमें पंच होल मिल जाता है, लेकिन Redmi 13 में हमें IR ब्लास्टर भी मिलता है। इसके बाद मैं आपको कैमरे के बारे में अगर बता दूं, तो Vivo में हमारा 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है एंड 2MP का डेप्थ कैमरा है। दूसरी तरफ हम अगर Redmi की बात करें, तो 108MP का हमें प्राइमरी कैमरा मिल जाता है एंड 2MP का हमें मैक्रो कैमरा मिल जाता है। ऐसे जो 2MP का कैमरा ये लोग देते हैं ना, इसकी जगह ये लोग अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे दिया करें, तो वो ज्यादा हमारे काम आने वाला है। फिलहाल तो इसमें आप देख सकते हो कि हमें Redmi में 108MP का कैमरा मिल रहा है। Vivo का कैमरा हमारा थोड़ा डिसेंट सा होने वाला है। इस दोनों ही फोन में हमें OIS नहीं मिला है। इसके बाद अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं, तो हमें इधर मिल जाता है 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और इधर हमें मिल जाता है 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। दोनों की वेट की बात करूं, तो अप्रोक्स कह सकती हूँ सिमिलर वेट होने वाला है। दोनों ही फोन थोड़े से स्लाइटली हेवी साइड ही जाने वाले हैं, अप्रोक्स 200 grams के आसपास होने वाला है इनका वेट। अब हम आ जाते हैं प्रोसेसर पे, जो कि बहुत खास होने वाला है। हमें मिल जाता है Vivo में Snapdragon 6 Gen 1 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और वहीं दूसरी तरफ हमें मिल जाता है Snapdragon 4 Gen 2 AE प्रोसेसर। गाइस, इस प्राइस पॉइंट पे Vivo का जो प्रोसेसर है वो ज्यादा अच्छा है। अब हम अगर अपने OS की बात कर ले, तो इधर हमें मिल जाता है फन टच OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14, और दूसरी तरफ हमें मिल जाता है हाइपर OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। UFS दोनों का सेम होने वाला है। 2.2 एक्सपेंडेबल मेमोरी हमें दोनों में मिल जाती है 1TB तक की। अब हम आपको अगर स्पीकर्स की बात बताएं, तो Vivo हमें दे रहा है स्टीरियो स्पीकर्स, ड्यूअल स्पीकर्स हमें मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली। यानी अगर दूसरी तरफ हम Redmi की बात करें, तो हमें उसमें सिंगल स्पीकर मिल रहा है। दोनों में ही हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। 3.5mm का जैक भी दोनों में मिल रहा है, और गाइस फिंगरप्रिंट सेंसर जो होने वाला है वो हमारा दोनों में ही साइड माउंटेन होने वाला है। इसके बाद अगर हम अपने फोन की ब्राइटनेस की बात करें, तो 550 निट्स की हमें ब्राइटनेस मिल जाती है Redmi में, लेकिन जो हमारा ये Vivo का फोन है उसमें 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। मतलब अगर आप धूप वगैरह में निकलोगे, तो यार Vivo का फोन ज्यादा सही मतलब ब्राइटनेस के मामले में है। गाइस, दोनों ही फोन्स के ना फीचर्स, कुछ फीचर्स इस फोन के अच्छे हैं, कुछ फीचर्स इस फोन के अच्छे हैं। फिलहाल मैं एट द एंड आपको बताऊंगी कि क्या किसमें सबसे बेहतर होने वाला है। एंड तो स्कोर की बात कर लो, तो हमें इधर मिल जाता है 560,000 और इधर हमें मिलता है 450,000। तो गाइज, आप समझ सकते हो कि इसका एंटीटू स्कोर ज्यादा अच्छा आ रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने फोन की बैटरी पे, तो हमें मिल जाती है 6000mAh की बैटरी विद 44W की चार्जिंग के साथ में। बैटरी काफी बड़ी दे रखी है, ये भी है कि ये 1.5 दिन तक आराम से चल जाएगी। अब अगर हम Redmi की बात करें, तो हमें मिल जाती है 50-30mAh की बैटरी, जिसमें हमें मिलती है 33W की चार्जिंग। गाइस, दोनों में ही हमें अडाप्टर मिल जाता है, ये चीज काफी अच्छी है, क्योंकि आजकल जो फोन्स आ रहे हैं उसमें अडाप्टर वगैरह नहीं मिलता है। Redmi का जो फोन होने वाला है, उसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वेक्टर 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। गाइस, इसके बाद अगर मैं आपको अपडेट्स के बारे में बताऊं, तो हमें इधर मिल जाते हैं 2 ईयर्स के मेजर अपडेट एंड 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट। Redmi ने क्या किया है, उसे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करी है, 1 साल का अपडेट बढ़ा दिया। इसमें क्या है, इन्होंने हमें दिया है 2 ईयर्स का मेजर अपडेट प्लस 4 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट। वेरिएंट्स एंड कलर्स के बारे में अगर बताऊं, तो जो हमारा ये Vivo का फोन है, ये हमारा 2 कलर्स में लॉन्च हो रखा है। पहला हमारा कलर होने वाला है क्रिम्सन ब्लिस एंड दूसरा सेलेस्टियल ग्रीन। और अगर मैं Redmi की फोन की बात करूं, तो ये फोन हमारा 3 कलर्स में लॉन्च हो रखा है, ऑर्किड पिंक, ब्लू एंड ब्लैक डायमंड। अगर मैं Vivo की बात करूं, तो इसमें 3 वेरिएंट आए हैं, 4GB, 6GB, 8GB
और तीनों ही 128 स्टोरेज के साथ आए हैं। और अगर मैं Redmi की बात करूं तो इसमें सिर्फ दो वेरिएंट आए हैं जो कि 6GB और 8GB है और 128 वेरिएंट के साथ में है। गाइस अगर मैं दोनों के सेम वेरिएंट का प्राइस बताऊं, मतलब 6GB का प्राइस और इसमें भी 6GB का प्राइस बताऊं, तो ये हमारा 14,999 का पड़ रहा है और ये हमारा 15,499 का पड़ रहा है। तो मतलब दोनों ही 15,000 के आसपास ही होने वाले हैं ये फोन। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन का कैमरा अच्छा मिल जाए, आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाए, फोन लुक में काफी अच्छा हो, बैक ग्लास का हो और अपडेट भी एक साल ज्यादा मिल जाए, तो आप जा सकते हैं Redmi के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम Vivo की बात कर लें, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की ब्राइटनेस अच्छी हो, प्रोसेसर अच्छा मिल जाए, बड़ी बैटरी भी मिल जाए, और साथ ही साथ अगर आप 4K वीडियो शूट करना चाहते हैं जो कि आपको सिर्फ अवेलेबल होंगे इसके 8GB वाले वेरिएंट में, तो आप Vivo की तरफ जा सकते हैं। अब आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इन दोनों फोन में से इजीली डिसाइड कर पाएंगे। और गाइस अगर आपको और भी ऐसे ही बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।